नीतू कपूर के बर्थडे सेलिब्रेशन में पहुंचे करण जौहर, यूजर्स ने उठाए सवाल। 8 जुलाई को नीतू कपूर ने अपना 62वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर इंडस्ट्री के तमाम लोगों ने उन्हें बधाइयां दी। बर्थडे की शाम को नीतू कपूर ने अपने बच्चों रणवीर और रिद्धमा के साथ साथ इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ भी उन्होंने बर्थडे मनाने का फैसला किया। ऐसे में करण जौहर भी उनके घर पहुंचे। इस छोटे से सेलिब्रेशन की फोटोज नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की। इन सेलिब्रेशन फोटोज में नीतू कपूर के साथ उनके बेटे रणवीर कपूर, बेटी रिद्धमा कपूर, श्वेता बच्चन के साथ अगस्ता नंदन, ननंद रीमा जैन और करण जौहर को भी देखा जा सकता है। ये सभी काफी खुश नजर आ रहे हैं। नीतू कपूर ने इन फोटोज को शेयर करते हुए लिखा, मैं इन बेहतरीन रिश्तों के साथ दुनिया की सबसे अमीर इंसान हूँ। हम सभी को अपने करीबियों का प्यार, सपोर्ट और ताकत हमेशा चाहिए होती है। मुझे आज सबसे अमीर इंसान जैसा महसूस हो रहा है। खैर, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये पहली बार है कि जब करण जौहर को किसी पार्टी में देखा गया हो। करण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भी बंद किया हुआ है और वो बाहर निकलते हुए भी नहीं देखे जा रहे हैं। ऐसे में नीतू की बर्थडे पार्टी में करण जौहर को देखते ही यूजर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। बोला जा रहा था कि करण अपनी ट्रोलिंग और आलोचना से काफी परेशान है और ये सब उनकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहा है। अब पार्टी की फोटोज में यूजर्स इसी बात पर जोर दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मैंने कहीं पढ़ा था कि करण जौहर अब टूट चुके हैं, मुझे तो वो बिल्कुल सही लग रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा कि मुझे केजुमती के चेहरे पर कोई दुख नजर नहीं आ रहा। उसके जवाब में एक यूजर ने कहा, मैंने तो सुना था कि करण जौहर दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, ये हिपोक्रेसी की इंतहा है। मालूम हो कि करण जौहर से जुड़े हुए एक सोर्स ने बताया कि करण अब टूट चुके हैं। सालों से ट्रोल होने की वजह से करण को अब फर्क पड़ना बंद हो गया था, लेकिन सुशांत की मौत के बाद जो नफरत उन्हें अपने लिए देखने को मिली, उसका बुरा असर पड़ा है।